जय हिंद जय भारत। आज एक नई भर्ती के बारे में डिटेल से जानेंगे और यहाँ पर बम्पर वैकेंसी लगभग 3000 के करीब पोस्ट हैं जो कि पैरामिलिट्री फोर्स यानी कि एक्स पैरामिलिट्री फोर्स और पूर्व सैनिक सभी से फिलअप किए जाएंगे। तो विस्तार से जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। यहाँ पर आप देख रहे होंगे एडवर्टाइजमेंट जारी किया गया है और यहाँ पर इंटरव्यू बेस्ड भर्ती है, हालांकि कुछ यहाँ पर फिजिकल भी है। मैं बताऊँगा आगे आपको पूरी डिटेल्स इस वीडियो में। इंगेजमेंट ड्राइव फॉर 3 बटालियन विल बी कंडक्टेड। ये जो बटालियन है 3 बटालियन कंडक्ट की जा रही है जिसके लिए कि 20 नवंबर से लेके 10 दिसंबर 2024 तक यहाँ पे आपको आना होगा। लोकेशन यहाँ पे बताया गया है, सैटरडे संडे एंड पब्लिक हॉलीडे को छोड़ करके जो लोकेशन है मैं आगे आपको डिटेल्स यहाँ पे बताऊँगा। अब यहाँ पर देखते हैं सैलरी क्या दी जा रही है, कौन कौन से अप्लाई कर सकते हैं, क्या उसकी डिटेल्स रहने वाली। यहाँ पर जूनियर कमीशन ऑफिसर GCOs की रिक्वायरमेंट है। कैटेगरी ऑफ रिटायर्ड एक्स सर्विसमैन एक्स CAPF टू बी इंगेज्ड इन OSSF। अब OSSF क्या है? ये है उड़ीसा स्पेशल स्ट्राइक फोर्स, OSSF के अंतर्गत यहाँ पर लिया जा रहा है। अभी यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो 153 GCOs की रिक्वायरमेंट है। 3 बटालियन है तो 51 एक बटालियन में रिक्वायरमेंट है। सैलरी जो यहाँ पर दी जाएगी 40,000 रुपये यहाँ पर दी जाएगी। अभी कौन कौन इसके लिए एलिजिबल रहेंगे? सूबेदार मेजर, सूबेदार नायक, सूबेदार रिटायर फ्रॉम आर्मी और इक्विवेलेंट रैंक एयरफोर्स, नेवी, इंडियन कोस्ट गार्ड और CAPF। CAPF के अंतर्गत सभी आ जाते हैं। प्राइमरली इन द रैंक ऑफ GCOs रैंक यहां पे लिया जा रहा है और GCOs रैंक के इक्विवेलेंट आप एयरफोर्स, नेवी या फिर एक्स पैरामिलिट्री फोर्सेज के हैं तो वो भी यहाँ पर एलिजिबल रहेंगे। अभी दूसरा जो है NCO इंक्लूडिंग ट्रेड्समैन, ड्राइवर और NCO रैंक 777 777 की रिक्वायरमेंट यहाँ पे 32,000 सैलरी यहाँ पर दी जाएगी। ऑल द NCO आर टू बी टेकन फ्रॉम एक्स आर्मी एक्स CAPF पर्सन यहाँ पर लिए जाएंगे। NCO जो है एक्स आर्मी और एक्स CAPF लिए जाएंगे। अभी यहाँ पर जो सिपाही लिए जाएंगे, सिपाही है, सिपाही इंक्लूडिंग ट्रेड्समैन ड्राइवर वगैरह, तो 2025 की यहाँ पे वैकेंसीज टोटल है और ऑल द सिपाही आर टू बी टेकन फ्रॉम एक्स आर्मी एक्स CAPF पर्सन यहाँ पे उनको लिया जाएगा दोस्तों। अभी और भी यहाँ पर जानकारी के अनुसार मिनिस्ट्रियल जो पोस्ट होंगी जिसकी 21 यहाँ पे टोटल है और यहाँ पर उनको जो GCOs है मिनिस्ट्रियल के लिए यानी स्टेनोग्राफर वगैरह जो भी होते हैं ऑफिशियल काम के लिए 40,000 रुपये उनको सैलरी दी जाएगी GCOs के लिए और 32,000 रुपये हुई GC/STNO के लिए। All are to be taken from ex-servicemen of army, equivalent rank, air force, navy, ex-paramilitary, सभी से यहाँ पर लिए जाएंगे ये सभी रैंक जो है जो कि मिनिस्ट्रियल पोस्ट के लिए यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। अभी टोटल वैकेंसीज की बात करें तो यहाँ पर जो टोटल वैकेंसीज निकाली गई ये है 2,776 पोस्ट। अभी क्या क्या रिक्वायरमेंट है, क्या उसकी डिटेल्स है यहाँ पर बताया गया है कि क्वालिफिकेशन क्या क्या GCOs के लिए है। शुड बी एक्स आर्मी, एक्स नेवी, एक्स एयरफोर्स, एक्स कोस्ट गार्ड और एक्स CAPF का होना चाहिए। अब यहाँ पर शुड हैव रिटायर्ड विद इन 5 ईयर्स एज ऑन 20/11/2024 यानी 20/11/2024 तक उसकी जो रिटायरमेंट से लेके अभी तक 5 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। शुड हैव बीन हॉनर्ड डिस्चार्ज यानी कि डिस्चार्ज आना चाहिए, ठीक ठाक पेंशन वेंशन ले रहा हो, यही मतलब उनका। अब सिपाही के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट यहाँ पे कि जो सिपाही है सुरबियन एक्स आर्मी एक्स CAPF, एक्स आर्मी एक्स CAPF का होना चाहिए। दूसरा है कि सेम वहाँ पर वही बात कही गई है, नर्सिंग असिस्टेंट के लिए वही बात कही गई है जो कि सभी के लिए एलिजिबल है। अब एज का जो मेन बात है यहाँ पे कि एज क्या है, GCOs 55 ईयर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए उनका 20/11/2024 तक। हवलदार, नायक, लांस नायक 50 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए उनकी एज और जो सिपाही हैं उनका 45 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मेडिकल कैटेगरी सेफ वन उनके द्वारा यहाँ पर बात कही गई है और आगे बात करें यहाँ पर तो जो यहाँ पर डिटेल्स बताई गई है कि हेल्थ वगैरह ठीक होना चाहिए, जो करेक्टर है गुड या फिर अबव होना चाहिए। सेलेक्शन का जो प्रोसेस यहाँ पे बताया गया है कि सबसे पहले यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद मेडिकल टेस्ट होगा और फिजिकल टेस्ट होगा जो कि 4 किलोमीटर रन होगा और जिसके लिए 45 मिनट यहाँ पे दिए जाएंगे। तो बहुत ज़्यादा नहीं है, आराम से इसको
क्लियर किया जा सकता है। इंटरव्यू भी होगा यहाँ पर। डॉक्यूमेंट कौन कौन से रिक्वायरमेंट होंगे, दी कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू सबमिट दी प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म। यहाँ पे एक फॉर्म है जो कि नीचे आपको बताऊंगा, या फिर आप वहाँ पे जाएंगे तो वहाँ पे आपको फॉर्म मिल जाएगा। उसको भरने के बाद सेल्फ अटेस्टेड जीरोक्स कॉपीज आपको लगानी होगी जो यहाँ पर बताई गई है। सबसे पेंशन पेमेंट ऑर्डर, उसके बाद डिस्चार्ज बुक, एक्स आर्मी एक्स नेवी सभी के लिए डिस्चार्ज बुक, उसके अलावा आइडेंटिटी कार्ड जो भी आपका एक्सिसमेंट का आइडेंटिटी कार्ड है, आधार कार्ड का भी यहाँ पे लगाना है। तो पेन और भी डॉक्यूमेंट आपके हैं कोई तो उसको भी आप ले जा सकते हैं क्योंकि वहाँ पे ज़रूरत पड़ सकती है। हालांकि उन्होंने यहीं पर ये जो डॉक्यूमेंट है इसके बारे में बताया गया। और टर्म ऑफ इंगेजमेंट क्या रूल होंगे इसके, इसको एक बार पढ़ सकते हैं, काफ़ी लंबा चौड़ा यहाँ पे बताया गया है। इंटाइटलमेंट क्या क्या दिए जाएंगे यहाँ पे, रिटायरमेंट जो भी एक्सिसमैन है उनको यहाँ पर जो है यूनिफॉर्म अलाउंस अलाउड होगा, शैल बी अलाउड यूनिफॉर्म अलाउंस होगा, यानी यूनिफॉर्म अलाउंस अलाउड होगा। एंड एक्स ग्रेटिया बेनिफिट इन द इवेंट ऑफ डेथ, यदि कुछ हो जाती है तो उनको एक्टिव सर्विस के अंतर्गत जो यहाँ पे दिया जाता है वो यहाँ पे दिया जाएगा। और बाकी जो प्रोसीजर होंगे वो गाइडलाइंस के अनुसार फॉलो किए जाएंगे। उसके अलावा यहाँ पर स्पेशल लीव जो दिया जाएगा 15 डेज का एक्स्ट्रा दिया जाएगा रिटायर्ड एक्सिसमैन जो भी है सभी के लिए। कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे दिए गए दोस्तों, कोई भी आपका कॉन्टैक्ट है, सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि कोई भी आपका कॉन्टैक्ट आप करना चाहते हैं, कोई भी डाउट है तो यहाँ पर ये दो नंबर दिए गए हैं। सबसे पहले जो नंबर यहाँ पे है श्री तपन कुमार मोहराना असिस्टेंट कमांडेंट है, उनका नंबर दिया गया। दूसरा है एक्स सूबेदार संतोष कुमार बेहरा, कोई भी आपके दिमाग में सवाल है तो आप यहाँ पर इनका जो नंबर है इसको रिंग कर सकते हैं, इससे आपको पूरी क्लेरिफाई और सटीक जानकारी यहाँ पर मिल जाएगी। अभी यहाँ पे जो लोकेशन वहाँ पे कैसे आपको पहुँचना है, ये है भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन टू एसओजी हेडक्वार्टर चंदाकारा, 17 किलोमीटर दूर है दोस्तों। जो यहाँ पे लोकेशन बताया गया है उसमें आपको जाना है और वहाँ पे इंटरव्यू है। अभी लोकेशन कौन सा है, ये है सैटरडे संडे को जो हेडक्वार्टर चंदाकारा भुवनेश्वर, और यहाँ पर आपको जाना है। अभी ये जो लोकेशन है कहाँ कहाँ पे है, ये है भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन से लेके एसओजी हेडक्वार्टर चंदाकारा 17 किलोमीटर की डिस्टेंस है। बारामुंडा बस स्टेशन टू एसओजी हेडक्वार्टर चंदाकारा 15 किलोमीटर है, और बिजू पटनायक इंटरनेशनल एयरपोर्ट टू एसओजी हेडक्वार्टर चंदाकारा यह है 17 किलोमीटर दूर है। तो ये इन्होंने पूरा यहाँ पर कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़ के अंतर्गत यहाँ पर बताया हुआ है कि कितना दूर आपका पड़ेगा, कहाँ से आप किसी भी जगह से जाएंगे तो वहाँ पे आप जा सकते हैं। डेट ऑफ इंटरव्यू के बारे में यहाँ पे बताया गया कि 20/11 यानी 20 नवंबर 2024 से लेके 10 दिसंबर 2024 तक 7:30 बजे एवरी डे एक्सेप्ट सैटरडे संडे और पब्लिक हॉलीडे को छोड़ करके ऑन अराइवल एप्लीकेशन सबमिट डेल्ही फील्ड एप्लीकेशन फॉर्म एंड एनेक्सर टू। तो यहाँ पर आप जा सकते हैं, जो यहाँ पर छुट्टियाँ बताई गई हैं या फिर जो हॉलीडे डेल हैं उनको छोड़ करके आप यहाँ पर जा सकते हैं। अभी भेनू यहाँ पे बताया गया है जो मैं पहले बताया था आपको, स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप उड़ीसा पुलिस चंदाकारा भुवनेश्वर, पिन है 751024। ये लोकेशन है और इस पर आप जा सकते हैं, वहाँ पर इंटरव्यू भी आपका होगा। अभी इसका फॉर्म है जो कि आपको वहाँ पर भर के देना होगा, एग्रीमेंट है जिसमें यहाँ पर जानकारी बताई गई है, पूरी डिटेल्स यहाँ पे बताई गई है। इसको यदि चाहिए आपको तो मुझे बताना, मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। हालांकि जब आप वहाँ पे जाएंगे तो वहाँ पे भी ये फॉर्म अवेलेबल हो जाएगा, बाकी ये नेट पे भी अवेलेबल है और वहाँ पर आपको मिल ही जाएगा। तो इस तरह से फॉर्म है जिसमें आपको फ़ोटो वोटो लगानी होगी, पूरा डिटेल्स यहाँ पर भरना होगा। और यहाँ पर जा सकते हैं जो भी पूर्व सैनिक भाई, नौकरी कहीं नहीं मिल रही है तो आप अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार फॉलो कर सकते हैं। जो वैकेंसीज थी उसकी डिटेल्स मैंने आपको बताने की कोशिश की है। ज़्यादा जानकारी के लिए आप नोटिफिकेशन को फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अभी तक इतना ही, जय हिंद।